तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पर। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास दो टाइप के लग रखे हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रिंग टाइप का लग है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये 50 mm का है गाइस ये लग। और दूसरा ये पिन टाइप लग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 10 mm का लग है गाइस। सो गाइज, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसा है, कैसे होता है। दोस्तों, ये मैंने एक 16 mm का केबल ले रखा है, इसे हम इसमें लग लगाने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर 16 mm के केबल में आप 10 mm का लग लगाए गाइज, तो इसमें परफेक्टली फिट बैठने वाला है, अदरवाइज वो लूज हो जाएगा। लग लगाने का मतलब ही यही है कि आप उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से MCB में या MCCB में अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके गाइज। तो ये हमने ले लिया है केबल, इसको छील दिया है। अब कई बार आपको समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा लग आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो गाइज उसको आप छीलने के बाद इसको लगा के भी चेक कर सकते हैं। जो इसके अंदर अच्छी तरीके से चला जाए गाइज और थोड़ा टाइट भी हो, वो वाला लग इसमें लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला कितनी आसानी तरीके से चला भी गया है और बिल्कुल टाइट भी आ रहा है गाइज। बाकी अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा। देखो कितना बड़ा जा रहा है, ये वाला भी नहीं आ रहा गाइज। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा 10 mm का आएगा। मैं इसका इसको हम सो गाइज, हमारे पास ये टूल्स है जिसकी सहायता से हम इसके पंच करने वाले गाइज। इस पर देख सकते हो आप, इस पर लिखा हुआ है आप कौन कितने कितने mm का पंच कर सकते हैं गाइज। इसके अंदर 16 mm तक का दे रखा है मेरा पास, ये देख सकते हो। 10 mm का लग लगाया मैंने, तो 10 mm का यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ऐसे हम पंचिंग कर दिया गाइज, जैसे पंचिंग होगा ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, ये तो मैंने पिन टाइप लग का बताया आपको, अब हम रिंग टाइप लग का बताते हैं। रिंग टाइप लग का इसी केबल के अंदर, ये हमारे पास 16 mm का केबल है और 16 mm के केबल में हमारा 10 mm का लग आएगा। दोस्तों, ये हमारे पास रिंग टाइप लग है, जैसा कि आप देख सकते हो 10 mm का। अब हम इसे लगाने वाले हैं दोस्तों। ये हमारे MCB में लगाने के ऊपर निर्भर होता है कि वहाँ पे पिन टाइप लगने वाला है या रिंग टाइप लगने वाला है गाइज। एक यू टाइप भी आता है जिसका अर्थिंग के टाइम पे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गाइज। ये ज़्यादा छिल गया है तो हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमारा 10 mm का लगेगा गाइज। क्या कर दिया, ये तो कचरा ना लगे, वही मार दिया, ठीक हो जाएगा। सो गाइज, देख सकते हो अब ये हमारा कम्प्लीटली अच्छी तरीके से फिट हो गया, टाइट आ रहा है। अब हम इसे टूल्स की सहायता से गाइज 10 mm का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 10 mm का, तो इसमें 10 mm के पास ला के इसे पंचिंग कर देंगे हम। जब ये पंच हो जाए गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर इस टाइप का शेप आ गया है, यह कम्प्लीटली। सो गाइज, ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। हमारे पास दो टाइप के रिंग थे गाइज, यहाँ पे एक रिंग टाइप लगा है दोस्तों और एक पिन टाइप लग है गाइज। दो टाइप का हमारे पास लगा है, तीसरा एक यू टाइप का लग होता है गाइज, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले दोस्तों।